नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डीके टी क्लब में। तो दोस्तों, मैं जो आज वीडियो लेकर आया हूँ वो ग्लू गन पे है। जो ये ग्लू गन होती है आप यूज करते हैं, आप सभी के पास होगी। तो ये इस तरह रख देते हैं नाम इसे यूज करके, तो ये जब तक गर्म रहती है तो यहाँ से टपकती रहती है, तो इसका काफ़ी नुकसान होता है ग्लू स्टिक का भी। तो इसका आज मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये एक जुगाड़ है, तो आपको इस तरह का एक लकड़ी का पीस चाहिए, ठीक है दोस्तों। जितनी आपकी ग्लू गन की लंबाई हो उसी हिसाब से देख लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये अपनी मर्जी से लेना है। तो इसके लिए मैं इसे यहां पर रख के, ठीक है दोस्तों, तो इसे पहले मैं यहां रख के थोड़े से इस पे निशान लगा लेता हूं जहां मुझे ये सेट करनी है। तो ये इस तरह सेट करने के लिए मैं इस पे पेंसिल से निशान लगा लूंगा। एक यहाँ हो गया, एक इस तरफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपको निशान लगा लेने अपने हिसाब से। और निशान लगाने के बाद क्या करना है आपको, ये दो छोटे छोटे पीस चाहिए इस तरह के लकड़ी के, इनको यहाँ पर चिपका देना ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तो मैं इसमें जहां जहां मैंने निशान लगाए वहां इसको चिपका लूंगा इन लकड़ी के पीसों को। और दोस्तों आपको एक और बात कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज यार आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मैं इस चैनल पर इसी तरह की टेक्निकल वीडियो लेके आता हूँ। ये बहुत ही कम खर्च में, जो मैं इसे अब बना रहा हूँ ये बहुत ही कम खर्च में हो जाएगा आपका काम इससे। तो दोस्तों प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरह चिपका लिया है, और चिपकाने के साथ साथ इसमें एक यहाँ होल भी किया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरह ग्लू गन लगा के एकदम इसके आगे, यानी कि ये जो नोजल है ना इसके आगे एक छेद है, ये इसमें आपको एक या तो चोवा डालना है या साइकिल का तान। ये देखिए साइकिल का तान है मेरे पास कटा हुआ, तो मैंने इसमें देखिए डाल रहा हूँ। इसे ऐसे सेट करना कि जैसे ही आप इसमें ग्लू गन फंसाओ ना तो ये तान है ना इसके छेद में आके लग जाए, छेद को रोक ले, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसे सुपर ग्लू की मदद से चिपका दिया है इधर साइड, और मैं इधर पीछे से इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, ये वाला सेलोचन है, ताकि ये और अच्छे से चिपक जाए। और फालतू के तान है ना ये जो बचा हुआ है इसे काट दें, इसे यहाँ से काट दें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे पीछे से अच्छे से काट दिया है, और यहाँ से भी अच्छे से चिपका दिया है, अब ये हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसे दिखा दूंगा आपको इसे कैसे यूज करना है। जैसे ही आपने ग्लू गन यूज करी तो स्टैंड लगा के, लगाने के बाद इसको थोड़ा सा इसमें इस तरह के इससे लगा के और इस तरह इसमें फंसा दें। यहाँ पीछे जो मैंने ये दो लकड़ी लगाई है ये सीधी, तो देख सकते हैं आप ये इसके जो नोजल के जो छेद है उसमें चला गया, तो अब इससे ग्लू लीक नहीं होगी। और मैं एक और बात बता दूं, यहाँ मैंने जो ये ग्लू डाली है ना पिघलाकर, आप इसकी जगह ना फेविक्विक यूज करना, एलपी बोलते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हिल रहा है थोड़ा सा देखिए, तो ये ऐसे आपको निकालनी है, और निकालने के बाद यूज करने के बाद लगाने के बाद ऐसे छोड़ देनी है, ये एक ही बार में अच्छे से सेट हो जाएगी इसमें अपने आप, और फिर ये टपकेगी नहीं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।